नमस्कार, बात करेंगे वुमेन्स प्रीमियर लीग की। तो 2023 का फाइनल जो मुकाबला होने वाला है मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच होने वाला है, नवी मुंबई के डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एलिमिनेटर में मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर्स को हरा दिया। मुंबई की जीत में इसी बॉन्ग का अहम योगदान रहा। 20 साल की इस तेज गेंदबाज ने WPL की पहली हैट्रिक ली। इसी बैंग ने यूपी वॉरियर के 13वें ओवर में लगातार 3 गेंद में 3 विकेट झटक दिए। इसी ने 13वें ओवर की दूसरी गेंद में किरण नवगिरे को नेट साइबर ब्रंट के हाथों में कैच आउट करा दिया। अगली गेंद में इसी ने सिमरन सेख को क्लीन बोर्ड कर दिया और हैट्रिक गेंद का सामना करने के लिए सोफी एलेक्सटोन आई। इसी की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। सोफी ने इस गेंद पर शॉट मारने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर स्टंप से जा टकराई और इस तरह 20 साल की इसी वुमेन प्रीमियर लीग की पहली हैट्रिक लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई। बता दें इसी को मुंबई इंडियंस ने 30 लाख के बीच बेस प्राइस में खरीदा था। उन्हें इंग्लैंड की तरफ से इस साल T20 खेलने का मौका नहीं मिला था लेकिन वुमेन्स प्रीमियर लीग ने इसी ने कमाल की गेंदबाजी की। जहां एक एलिमिनेटर की बात है तो मुंबई इंडियंस ने इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 182 रन ठोके थे। इसके जवाब में यूपी वॉरियर्स ने पूरी टीम 110 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह मुंबई इंडियंस ने 72 रन से एलिमिनेटर जीत लिया। धन्यवाद।